तुमने मेरी मासूमियत छीन ली, मुझे बर्बाद किया और मुझे रिलेशनशिप के लायक नहीं छोड़ा। ये कहना था उस पीड़ित लड़की का जिसने मार्वल सीरीज की सुपरहिट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्ट्रेस ज़ारा फाइथिन और उसके पति विक्टर मार्क पर ऐसे संगीन आरोप लगाए जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मार्वल सीरीज की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्ट्रेस ज़ारा फाइथिन और पति विक्टर मार्क पर 13 साल की लड़की ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ारा को नॉटिंगम क्राउन कोर्ट में यौन शोषण मामले में जूरी ने दोषी पाया है। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 8 साल की जेल की सजा सुनाई है। ज़ारा फाइथिन के पति विक्टर मार्क को 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में 14 साल जेल की सजा मिली है। हालांकि दोनों ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन जूरी ने कपल को इस मामले में आरोपी पाया और उन्हें सजा सुनाई। दोनों अब सेक्सुअल क्रिमिनल रजिस्टर पर साइन करेंगे और फिर दोनों को कभी बच्चों के साथ काम करने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि ज़ारा और उनके पति विक्टर पर 2005 से 2008 के बीच एक बच्ची के साथ यौन एक्टिविटी में शामिल होने के आरोप थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम ने बताया था कि कपल उनके साथ डियर गेम खेला करते थे और फिर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देते थे। गौरतलब है कि ज़ारा फाइथिन ने डॉक्टर स्ट्रेंज में ब्रूनेट ज़िलोट का रोल प्ले किया था। फिल्म में एक्टर बेनेडिक्ट कैम्बरबैच लीड रोल में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच।